हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बड़े से बड़े फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं और कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन करते हैं तो आप फ्रैक्शन में फंस जाते हैं। मैं बताऊंगा कि कठिन से कठिन जो है फ्रैक्शंस को कैसे हम सिंपल करेंगे, ठीक है। और इसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बताएंगे, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ फ्रैक्शंस। देखिए फ्रैक्शन, डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन लीजिए, ये फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ, ये फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर, होल नंबर। अब देखिए जैसे इसमें कोई होल नंबर है, ये आपका है, इसको तीन इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी मैं इस पार्ट को लेना है, ठीक है। अब इसमें इस देखिए 1 2 3 हो गया, तो इसमें 1/3 लिखेंगे। अब 1 क्या है, यहां 1 है आपका न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, तो ये ऊपर वाले पार्ट को कहेंगे न्यूमरेटर, और ये आपका 3 है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। ऐसे मान लीजिए एक सर्कल है और इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में हमें इतना पार्ट लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब 1 क्या होगा, न्यूमरेटर, और 4 क्या होगा, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो शॉर्टकट में इसको हम न्यूमरेटर NR ऐसे लिखेंगे और शॉर्टकट में डिनोमिनेटर को DR लिखेंगे, ठीक है। तो आपने फ्रैक्शन की डेफिनेशन देख लिया और फ्रैक्शन क्या होता है ये देख लिया। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल टू बाय थ्री, 2/3, here 2 is less than 3, यहां देखेंगे numerator क्या है, smaller than denominator, तो ये आपका 2/3 क्या है, ये आपका proper fraction है, जैसे 1/4, second 2/5, 3/10, etc, ये सब क्या है, proper fraction है, ठीक है। proper की हिंदी होती है उचित, फ्रैक्शन मीन्स भिन्न होता है, ठीक है। तो आप हिंदी भी जाने और इंग्लिश भी जाने, ठीक है। सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर इज लेस देन आर इक्वल डिनोमिनेटर, ठीक है। इसमें कंडीशन होना चाहिए न्यूमरेटर इट लेस देन आर इक्वल टू डिनोमिनेटर, दिस मीन्स जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ग्रेटर देन आर इक्वल, ठीक है। इसमें जैसे 5/2, 2/2, 10/3 एंड 7/3 एटसेट्रा, इसमें क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल भी हो सकता है। देखिए ये आपका स्पेशल केस है, इस तरह के फ्रैक्शंस अगर हैं 2/2 लिखा हुआ, 3/3 लिखा हुआ, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा, ठीक है। 5/2 है, तो 5/2 अगर है आपका, तो ये आपका देखिए यहाँ पर 5 और ग्रेटर है और 2, देखिए 5 न्यूमरेटर है और 2 डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे जैसे 5/2, तो 5 ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद थर्ड है
थर्ड है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्या होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें वैल्यू सेम आए, ठीक है, जैसे 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 2/2, 4/2/4, सेकेंड 1/2 मल्टीप्लाई 3/3, 3/6, ठीक है, तो ये आपका 1/2, 2/4, 3/6 एटसेट्रा आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो आप देखेंगे सबकी वैल्यू सेम है, सबकी वैल्यू 1/2, 1/2 ये आएगा, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। फोर्थ है मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शंस में जैसे इसमें क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए और फ्रैक्शन, तो देखिए इसे 3 होल 1/2, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 3 + 1/2, दिस मीन्स होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें इसको हम देखते हैं, देखिए मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन चेंज इन विथ मिक्स्ड फ्रैक्शन, चेंज मिक्स फ्रैक्शन इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इसमें देखेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब जैसे 3 होल 1/2 है, तो 3 + 1/2, इसमें क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3/1 + 1/2। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ 1 एंड 2 = 2, तो यहां आएगा 2, आप डिनोमिनेटर में 2 बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 + 1, तो ये आ जाएगा 6 + 1/2 = 7/2, ठीक है। तो इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। यहां देखेंगे 7 > 2, तो न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है। तो ये हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। देखिए मैं आपको बताऊंगा सम ऑफ फ्रैक्शंस, सम ऑफ फ्रैक्शंस। अब सम ऑफ फ्रैक्शंस में कैसे करेंगे, सबसे पहले 1/2 + 1/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, इसका आ जाएगा 2 × 3 = 6, ठीक है। अब हम नीचे 6 बनाएंगे, तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 1 × 3 = 2, इसमें आप करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 3/6, 2/6, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 + 2 कर लेंगे, यह आ जाएगा 5/6, ठीक है। अब सेकेंड देखिए, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकेंड जैसे 3 होल 1/2, 2 होल 1/3, इसको सॉल्व करना, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 3 + 1/2, 2 + 1/3, ठीक है। अब होल नंबर, होल नंबर एक साथ रख लेंगे, 3 + 2 + 1/2 + 1/3, ये आ जाएगा 5, ठीक है। और इन दोनों का प्लस क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्लस आप देख रहे हो 5/6, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 होल 5/6, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखिए, जैसे 3 3 3 1/3, 2 2 2 1/2, अब इसका सम करना है, तो आप क्या करोगे, आप
सिंपल मेथड से करना है तो दूसरे मेथड से करेंगे, दूसरे मेथड भी मैं बताऊंगा इसको। देखिए सिंपल मेथड से करने के लिए कैसे करेंगे, इसको पहले हम क्या करेंगे, होल नंबर को अलग कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 2 2 2 1 by 2 इसको भी अलग कर लेंगे। अब होल नंबर को एक साथ रख लेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 5 5 5 आ जाएगा, 1 by 3 1 by 2 5 5 5। इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों को आप अलग यहाँ प्लस कर लीजिए, तो अभी आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 2 plus 3 upon 6 5 by 6, तो यहाँ आ जाएगा 5 by 6, तो इस ये आंसर हो जाएगा 5 5 5 555 होल 5 by 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपको सब्ट्रैक्शन करना है 3 minus 1 by 2, तो आप कैसे करेंगे, एक तो आपके पास मेथड है, इसको यहाँ सॉल्व करेंगे 6 minus 1 by 2 5 by 2, ठीक है, ये हो जाएगा मेथड फर्स्ट। अब मेथड सेकंड देखिए, हाँ देखिए सेकंड मेथड कैसे करेंगे, 3 जैसे 3 आपका है, ये 3 minus half, तो इसको हम लिखेंगे 2 plus 1 minus half, ठीक है। अब 3 को 2 plus 1 लिख सकते हैं, अब 1 में से हाफ निकाल देंगे तो 1 में से जब हाफ निकलेगा 1 माइनस हाफ कितना होता है, 1 बाय 2 ही होता है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका 2 and half हो गया और इसका आंसर हो जाएगा 2 and half। अब जैसे आपको निकालना है 11 minus 3 by 2, ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 11 minus 3 by 2 है, तो इसको हम कर लेंगे 1 plus 1 by 2, 11 minus 1 minus 1 by 2, अब 11 में से 1 गया 10 minus half, ठीक है, अब यहां करेंगे 9 और plus 1 minus half, तो ये हो जाएगा 9 plus half, ये आ जाएगा 9 and half, ठीक है। तो इस तरह से आप सिम किसी भी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ 3 minus 1 by 2 3 whole 1 by 2 2 whole 1 by 3, जैसे इसको क्वेश्चन को करना है तो कैसे आप क्या करेंगे, 3 plus half minus 2 plus 1 by 3, 3 plus half, यहाँ देखिए -2 minus 1 by 3, अब देखिए 3 minus 2 1 by 2 minus 1 by 3, ठीक है, तो ये इसका कितना आ जाएगा 1, और इसमें हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3 minus 2 upon 6, 1 plus 1 by 6, इसका आंसर आ जाएगा 1 whole 1 by 6। तो आप देखेंगे इस मेथड से बड़ी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक। हाँ देखिए इस फार्मूले पर क्वेश्चंस कैसे करते हैं, जैसे किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, किसी फ्रैक्शन का एससीएफ निकालना है, तो हम क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, कंपटीशन में इस टाइप का बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये फार्मूला है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एससीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर एलसीएम पूछ रहा है फ्रैक्शन का तो ऊपर एलसीएम ही निकालेंगे, ठीक है, और नीचे उसका अपोजिट निकालेंगे। जैसे एससीएफ ऑफ फ्रैक्शन पूछ रहा है तो एससीएफ ऑफ न्यूमरेटर निकालेंगे और उसका अपोजिट एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर निकालेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट एग्जांपल है एससीएफ ऑफ 5 by 6 10 by 18 25 by 36, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे कि एससीएफ ऑफ 5 10 25 अपॉन एलसीएम ऑफ 6 18 36। देखिए एससीएफ ऑफ न्यूमरेटर का निकालेंगे इस फॉर्मूले से, इससे एससीएफ से, ठीक है, तो एससीएफ पूछ रहा है तो ऊपर एससीएफ निकालेंगे और नीचे उसका अपोजिट निकालेंगे, तो इसका देखेंगे एससीएफ कितना आएगा 5 और इसका एलसीएम आएगा 36, ठीक है, तो इसका आ जाएगा आंसर 5 by 36। रुको करो, हाँ देखिए इसमें एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 अपॉन एससीएफ ऑफ 2 3 4 5, तो इसका देखिए एलसीएम आएगा 4 12 और इसका आएगा आपका 1, तो इसका आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को आप जो है इसी तरीके से करेंगे आसानी से हो जाएगा। बाय।